हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। वर्क पावर एनर्जी लेक्चर फोर्थ, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड स्प्रिंग मास सिस्टम। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड स्प्रिंग मास सिस्टम। देखो, ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स इसकी कर ली थी मैं, और जहाँ भी अपने को बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लेंगे, जहाँ कुछ फिट नहीं होगा तो वहाँ पे अपने को क्या करना है, इसका मतलब क्या है। सिंपली टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी फाइनल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। लेकिन ये हम बता चुके थे कि ये जो रिलेशन है ये कब काम में लेते हैं, कि यहाँ पे जब कोई एक्सटर्नल एजेंट, जब ध्यान रखेंगे कि हमारे पास यहाँ कोई एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन नहीं हो और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी जीरो हो, तो ये ले लेंगे। यानी ये जो है केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही अप्लाई होता है, क्योंकि अपन ने देखो ये डिस्कस किया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसी का फॉर्म है। तो अपन मैकेनिकल कंजर्वेशन लगाएंगे जब ये दोनों एब्सेंट रहेंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो अपने पास ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। फिर हम लेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन का मतलब नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, और इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब अपने सारे हथियार फेल हो जाएंगे तो अपन लास्ट फाइनल हथियार ये काम मिलेंगे। इन जनरल इससे काम चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं हमें मिलेगा नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एक नीट लेवल तक, लेकिन एडवांस लेवल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बीच में ही फ्रिक्शन फंस गया, कहीं विस्कस हो गया, कहीं एयर ड्रैग हो गया, तो ऐसे में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन और कंजर्वेटिव, इट मीन्स टोटल वर्क डन इक्वल टू टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, टोटल चेंज डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा यू, ये लेके चलेंगे। क्लियर? अब देखो हमें स्प्रिंग पर आते हैं, फिर इनको अप्लाई करेंगे तो और मजा आएगा। पहले हम स्प्रिंग को समझ लेते हैं। पहले हम ए में ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम। देखो बेसिक चीजें अपन देख लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस ले रहे हैं भाई अभी अपन, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। ये कोई स्प्रिंग है, तो देखो ये जो पोजीशन है जहां पर ये स्प्रिंग, ये इसकी कहलाती है नॉर्मल पोजीशन। ये इसकी क्या है? नॉर्मल पोजीशन, है ना। ये अपने पास कोई ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है। अब देखो हम क्या काम कर रहे हैं, यहां ले आए इसको ब्लॉक को, एक मिनट मैं वापस बना देता हूं। देखो ठीक है,
ये नॉर्मल पोजिशन जहाँ स्प्रिंग की एक्चुअल लेंथ नॉर्मल लेंथ जहाँ पर है। अब ये जो ब्लॉक हम इसके पास लाते हैं भाई, देखो ये ब्लॉक इधर लेके आते हैं और इस ब्लॉक से इसको कंप्रेस करते हैं, कितना एक्स नोट कंप्रेस करते हैं। हमने ब्लॉक को कितना कर दिया, एक्स नोट कंप्रेस कर दिया। अब इसके बाद देखो जब हम इसको रिलीज करते हैं ब्लॉक को, अब हमने ब्लॉक को रिलीज किया भाई, और रिलीज करने से ब्लॉक है इससे डिटैच हो जाता है और ये किसी वेलोसिटी वी से चला जाता है, हमें वी फाइंड करनी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे अपने को, है ना। इसके लिए हमें स्प्रिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि देखो एक तो क्या अपने को कि कोई भी देखो कॉन्सेप्ट अपने पास यहाँ पे क्या है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि ये अपने पास स्प्रिंग है भाई, ये नॉर्मल पोजिशन होगी इसकी और हम इसको कंप्रेस करते हैं किसी भी माध्यम से। इसको जब हम यहाँ से कंप्रेस करेंगे यहाँ लेके आ गए इसको, इस ब्लॉक से किया या और किसी से, तो देखो हमने कंप्रेस इधर किया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस पर जो के एक्स लगेगा कंप्रेशन के अपोजिट ये लगेगा, इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। देखो आप फील कर सकते हो कि स्प्रिंग अपने पास है, उसको दबाएंगे तो छोड़ेंगे तो देखो स्प्रिंग किधर आ रही है, वापस, फिर दबाएंगे फिर वापस आ रही है, तो ये तो जो एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन स्प्रिंग इस डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशन के अगेंस्ट एक फोर्स लगाती है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। आप स्प्रिंग को यहाँ खींचो तो स्प्रिंग क्या करेगी, वापस खींचेगी, तो देखो डिस्प्लेसमेंट हम इधर कर रहे हैं और स्प्रिंग इसको वापस खींच रही है बाई स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ आप एक कॉन्सेप्ट अपन ले सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स जो रहेगा, स्प्रिंग फोर्स एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, स्प्रिंग फोर्स एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा स्प्रिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, माइनस का मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, जो हम खींचेंगे तो स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन पर वापस आना चाहेगी, जब दबाएंगे तो भी स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन पर वापस आना चाहेगी, तो इसलिए अपन क्या लिखते हैं माइनस, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाएंगे एफ इक्वल टू के, तो ये अपने पास स्प्रिंग फोर्स, क्या बोलेंगे इसको, स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट अपन देख सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स के साथ हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लेंगे, वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो फॉर ए स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, तो डी डब्ल्यू निकाल लेते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या करेंगे भाई, डी डब्ल्यू इक्वल टू करेंगे एफ डी एक्स, और स्प्रिंग फोर्स का हमने देखा यहाँ वर्क डन अगेंस्ट किसके है भाई, स्प्रिंग फोर्स, तो इसको यूँ लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू F का वैल्यू हमने लिख दिया माइनस के एक्स डी एक्स, इट मीन्स डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया अपने पास के एक्स डी एक्स, और हम टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं W, तो W इक्वल टू देखो हम जीरो से किसी x डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंगे तो के एक्स डी एक्स हम ले लेंगे, क्लियर। तो यहाँ से देखो W जो है ये अपने पास आ गया के एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू एक्स, और ये W इक्वल टू आ गया अपने पास हाफ के एक्स स्क्वायर, अभी अपन ने लिखा है W स्टोर्ड एज इलेक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरह से हमें कि स्प्रिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो क्या है, माइनस के एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो क्या लेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, कहाँ से आए कि वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो हमने वर्क डन से सोल्व कर लिए। अब अपने पास ये दो टूल हो गए, स्प्रिंग फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, क्लियर। अब देखो यहाँ पर आते हैं, जब हमने देखो इसको यूं कंप्रेस कर रखा है तो यहाँ इसके अगेंस्ट इधर क्या लगेगा, फोर्स K
के एक्स, ये इसको मेन पोजिशन में ले जाता है। और जब ये फोर्स है इसके पास, तो इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, अब इसके पास एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ के एक्स स्क्वायर जब प्रेस कर रखे हैं। रिलीज करेंगे नॉर्मल पोजिशन में, जब ये आएगी यहाँ पे तो नॉर्मल पोजिशन में तो एनर्जी क्या है, नॉर्मल पोजिशन में तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, जीरो होगी। और इसने ब्लॉक को क्या दी, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए अपने पास ये है। तो यहाँ से ब्लॉक इससे क्या हो गया, डिटैच वाली कंडीशन है, ब्लॉक क्या हो चुका है, डिटैच्ड हो चुका है, इससे अलग हो चुका है, और हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो क्या काम करें, जब स्मूथ सरफेस दे रखा है तो सीधा सा अपने पास कॉन्सेप्ट क्या है भाई, देखो एनर्जी कंजर्वेशन बाय कम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये हम ले लेंगे। क्या लेंगे भाई, सिंपल सा तरीका अपने पास है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी इनिशियल इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, समझ गए, ये ले लेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, इनिशियल इक्वल टू क्या होने चाहिए, फाइनल। इनिशियल जब नॉर्मल पोजीशन में है, यहाँ पर अपन देखो ये तो ये कंडीशन, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब हम इस कंडीशन पे आ रहे हैं, देखो इसको प्रेस किया हमने, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, जब इसको प्रेस कर रखा है तो इनिशियली स्पीड कैसी है इसकी, जीरो है यहाँ पर, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, जीरो। इसको कंप्रेस कर रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, हाफ के एक्स नोट स्क्वायर इक्वल टू, जब देखो स्प्रिंग ने इसको ब्लॉक को रिलीज किया तो अब ब्लॉक के पास क्या है, कोई काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी भाई इसकी, जीरो। तो यहां से अपने पास देखो रिलेशन क्या आ गया, हाफ के एक्स नोट स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और अब देखो अपने पास हाफ तो कैंसिल कर देते हैं, हमें वी फाइंड करना है, तो देखो वी का फॉर्मूला क्या मिल रहा है भाई, वी इक्वल टू हमें मिल रहा है, वी इक्वल टू देखो के बाई एम अंडर रूट और एक्स स्क्वायर का क्या रह गया, एक्स नोट। तो इस तरह से हमने ब्लॉक का ये वेलोसिटी निकाल लिया, समझ में आ गया होगा, हमने सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाया और आपने दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए कि एनर्जी कितनी रहती है, हाफ के स्क्वायर, और ये कहाँ से आती है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आती है। तो हमने ब्लॉक को दबा के छोड़ने से किस स्पीड से ये डिटैच होगा, तो हमने निकाल लिया के बाई एम, और के यहाँ पे क्या है, के है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, के यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम मास ऑफ ब्लॉक। ध्यान रखना आइडियल स्प्रिंग का मास नहीं लिया जाता, आइडियल स्प्रिंग इट मींस क्या होती है, मासलेस स्प्रिंग, ठीक है। चलो और एक अच्छा सा क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, यहाँ तो कम से काम चल गया। अब देखो सेकंड मैं आपसे ले रहा हूँ, वापस इसी तरह का एक क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा इसी में देखो एक पहले एक ईजी सा कॉन्सेप्ट यही मैं वापस बता दूँ आपको, कि हमें दो केस हो सकते हैं, एक केस क्या हो सकता है, देखो यहाँ स्प्रिंग है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, और यहाँ पर कोई ब्लॉक है भाई, यहाँ पर कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अपन छोड़ते हैं, यहाँ ब्लॉक को छोड़ते हैं किसी भी स्पीड से, तो ये ब्लॉक देखो क्या काम कर रहा है, इस स्प्रिंग को कोई एक्स नोट कंप्रेस कर देता है, अब स्प्रिंग को यहाँ लेके आ गया है, इसकी नॉर्मल पोजीशन से ये इसने एक्स नोट कंप्रेस कर दिया, इसने आके कंप्रेस कर दिया। तो यहाँ भी अपने से पूछा जाए कि भाई इसका एक्स नोट कंप्रेशन है, कंप्रेशन इन एक्स नोट देन वी विल बी, तो यहाँ क्या काम करेंगे, देखो ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी और ये इसकी फाइनल, वापस से ये लगा सकते हो के प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के प्लस यू फाइनल, ठीक है। तो देखो ये इनिशियल पोजीशन है, जब ये ब्लॉक इसकी तरफ आ रहा है यहां पर, और जब ये इसको कंप्रेस कर चुका तो देखो फाइनल स्पीड यहां पे क्या हो चुकी, जीरो। तो अपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई इसके पास, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कैसी है, जीरो है। अब इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैसी होगी, जीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जब एक्स जीरो ये कंप्रेस हो गया तो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो वही जो अभी किया था अपने पास सेम वही आ गया, थोड़ा सा इससे रिवर्स किया है, उसमें तो ब्लॉक उधर जा रहा था, यहाँ पे ब्लॉक इधर आ रहा है, इसलिए इसका जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब देखो अपने पास क्या हुआ, वही वापस वी निकालेंगे, तो वी इक्वल टू देखो क्या आया, अंडर रूट के बाई एम इंटू एक्स नोट
इंटू एक्स नोट, ये फॉर्मूला आ गया। तो इसको अपन चाहे इधर से छोड़े या किस वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से इसने एनर्जी, क्योंकि वही एक्स नोट यहाँ लिया है, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के सिमिलर है, यहाँ से अपन स्पीड फाइंड कर सकते हैं, डिटैचिंग भी और स्प्रिंग को कंप्रेस एक्स करता है तो किस स्पीड से आए वो भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन अपने पास, एक और क्वेश्चन अच्छा से लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम अपन क्या ले रहे हैं ये ध्यान दो, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। देखो ये सिस्टम लिया अपन ने, ये स्प्रिंग है, ये हमने ले ली इसकी नॉर्मल पोजीशन, ये हमने क्या ली नॉर्मल पोजीशन। अब देखो वापस जो अपन कह रहे थे कि ये अपने पास एम मास का ब्लॉक है, ये एम मास का ब्लॉक है, अब क्या काम कर रहे हैं इधर समझना, मैं आपको पूरा इसको क्लियरली एक कॉन्सेप्ट से मैं बताने वाला हूं। अब ब्लॉक से इसको कंप्रेस करते हैं, ब्लॉक से इसको कंप्रेस करते हैं, स्प्रिंग हो गई कंप्रेस, ये आ गया यहाँ पे, ये अपने पास ब्लॉक आ गया, यानी जो नॉर्मल पोजिशन थी इसकी, यहाँ से ब्लॉक ने एक्स नोट इसको कंप्रेस किया, इस पोजीशन को मैंने मान लिया ए, नॉर्मल पोजीशन को मान लिया मैंने बी। और अब देखो कंप्रेस करके जब हम छोड़ेंगे तो फिर वापस अपने पास देखो जो अभी जो क्वेश्चन किया था मैं उसी पे आ रहा हूँ कि नेक्स्ट अपने पास पोजीशन क्या है, हम जब इसको छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग हो गई और ये स्प्रिंग से डिटैच होता है भाई, डिटैच होके यहाँ पर आ जाता है और हमसे वापस वही कि ये किस वेलोसिटी से जाएगा या कहाँ रुकेगा। एक मिनट देखो ये यहाँ पर आया, तो देखो अब जो क्वेश्चन है अपने पास कि ये सरफेस तो कैसी थी भाई, स्मूथ थी, लेकिन ये सरफेस कैसी है, ये रफ है और इसका फ्रिक्शन कोफिशेंट क्या दिया हुआ है हमें, म्यू दिया हुआ है। तो यहाँ अपने को जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट डिस्टेंस मूव बाई ब्लॉक ऑन रफ सरफेस बिफोर कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करता है, बिफोर कम्स टू रेस्ट फ्रॉम नॉर्मल पोजिशन ऑफ स्प्रिंग, ये हमसे पूछा। तो देखो अब हमारे पास सिचुएशन क्या हो गई कि देखो ये एक्स नोट था, अब ब्लॉक आ गया यहाँ पर, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये एक्स नोट था, अब ब्लॉक यहाँ देखो ये डिस्टेंस कवर किया, इसने कितना कवर किया डी, यहाँ से था ये डिस्टेंस हमने लिया था एक्स लिया था, तो हमें ये डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन ये सरफेस कैसी है, रफ है, तो अब कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, अब तो ब्लॉक इधर लग रहा था जा रहा था, तो यहाँ पर इस पर देखो यहाँ से क्या शुरू हो गया भाई, फ्रिक्शन, यहाँ क्या शुरू हो गया इस पर, फ्रिक्शन, जब ब्लॉक इधर जाएगा रफ सरफेस है तो इस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो अब अपन कम से यदि आप इस ये लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमने क्या बताया था, ये तभी बताना है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो हों, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज द्वारा वर्क डन जीरो नहीं है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो अपने इसका क्या इक्वेशन बताया था कि अब अपन ये लेंगे भाई, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, ये था। अब यहाँ पर देखो जब डिटैच हो जाता है तो एक्सटर्नल एजेंट तो गायब ही हो गया है ना, ये तो तब तक ही है जब इसके साथ है, तो हमें तो ये डिटैचमेंट होने के बाद तो इसकी भी जरूरत नहीं है। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एम जी तो नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 पर, तो ये भी क्या है जीरो, तो अपने पास सिर्फ क्या रह गया वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यदि हम डेल्टा के की बात करेंगे तो देखो इनिशियल पोजिशन पर डेल्टा के चेंज जब यहाँ पर है
तो इन कैसा है जीरो, और जब यहाँ रेस्ट आ गया जीरो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी जीरो फाइनल भी जीरो है, तो यहाँ भी क्या रहेगा जीरो। अब बची अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस क्या ले लेंगे इनिशियल। तो ये अपने पास इसके लिए टूल तैयार हो गया वही इस केस के लिए, और हमें से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया होगा कि जब अपने पास फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव हो जाए तो टोटल वर्क डन इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी, ये अपन ले सकते हैं। और ये गायब क्यों हो गए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स mg तो देखो इधर था और डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री रहेगा, तो हमेशा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओरिजेंटल सरफेस पर क्या था है ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे जीरो हो गया। एक्सटर्नल एजेंट इससे डिटेच हो गया, तो इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने पास बचाइए। अब मैं बात करता हूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसकी, तो देखो अपने पास क्या बना भाई, देखो मैं w का वैल्यू, तो w क्या रहता है माइनस, देखो ये जब ब्लॉक यहाँ से चल के गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर है और फ्रिक्शन फोर्स जस्ट इसके अपोजिट इधर लग रहा है, यानी एंगल देखो डिस्प्लेसमेंट में और इसमें कैसा है 180 डिग्री का, और 180 डिग्री का होगा तो एफ एस कोस थीटा माइनस एफ एस, तो मैंने ये माइनस एफ एस लिया और फाइनल एनर्जी माइनस क्या कर दी इनिशियल एनर्जी कर, ठीक है। F क्या है फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन क्या होता है भाई म्यू इंटू एन, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट मुझे d फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे कितना फाइंड करना है d फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने d लिया। अब यहाँ चीज एक और ध्यान दोगे कि देखो हमें जब ये चीज़ मिली है तो ये तो अपने पास डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्मल पोजिशन, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ क्योंकि इससे पहले तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा था, फ्रिक्शन तो यहाँ से, तो मैंने ये डी ले लिया इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जब यहाँ पर आ गया डिटैच हो गया तो क्या है जीरो, और जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब इसको कंप्रेस कर रखा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो गई थी भाई हाफ के एक्स नोट स्क्वायर, क्लियर। तो अब एन क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन होता है ये एम जी के इक्वल इंटू डी इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स नोट स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, हमें क्या फाइंड करना था डी, तो देखो यहाँ से डी निकाल लो तो के एक्स नोट स्क्वायर अपॉन टू म्यू एम जी। देखो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया है और समझ भी गए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये ब्लॉक ने प्रेस किया, इसने इतनी एनर्जी स्टोर कर ली और जब प्रेस कर रखा है इनिशियली, अब ये इसको छोड़ता है तो यहाँ से रफ सरफेस शुरू होती है तो फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है, फाइनली रेस्ट में आता है तो जीरो, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस कर रखा है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर मिलती है ब्लॉक को, और जब यहाँ हो जाता है तो ये इसकी डिटैच हो गया, क्या होगी जीरो गेयर, हमने ये निकाल लिया। अब देखो हम एक और काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या काम किया वापस देखो, ये हमारे पास स्प्रिंग थी है ना, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है और ये अपन वो ब्लॉक वाली ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है भाई ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अब क्या काम कर रहे हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं ब्लॉक से, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ब्लॉक आ गया यहाँ पर, नॉर्मल पोजीशन थी यहाँ है ना, तो नॉर्मल पोजीशन यहाँ थी और इस कंप्रेशन को मान लिया हमने कितना हो गया एक्स नोट हो गया, ठीक है। तो एक्स नोट क्या, तो यहाँ कितना एनर्जी स्टोर्ड हो गया भाई, ये स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, ये मैं पोजिशन ए मान लेता हूँ, नॉर्मल पोजिशन बी मान लेता हूँ। अब क्या है कि जब इसको छोड़ेंगे तो सपोज ब्लॉक यहाँ तक आके या फाइनली ये फिर से क्या हो जाता है रेस्ट में हो जाता है, लेकिन अब हमें ये टोटली ये कंप्लीट सरफेस कैसी दी है, रफ सरफेस दी है, समझ गए ना, वहाँ ये सरफेस स्मूथ थी ये रफ थी, अब यहाँ कंप्लीटली, और इसको छोड़ने से मान लेते हैं ये कितना डिस्प्लेसमेंट डी डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ पर आके ब्लॉक रेस्ट में हो जाता है, यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट में हो जाता है, तो वापस हमसे वही कि डिस्टेंस मूव बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट ये हमसे पूछा है,
तो यहाँ तो ये पूरी रफ सरफेस है, तो देखो यहीं पे क्या लगना शुरू हो गया, फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो गया उधर जाएगा तो हम वापस अभी देखो सीखा है कि यहाँ जब ये इनिशियल है तो यहाँ पे भी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो हमने लास्ट इक्वेशन क्या बना लिया था कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये टूल हमने तैयार कर लिया था। तो आप देखो इसको अप्लाई करो, अप्लाई करने में देखो माइनस एफ इंटू एन, यहाँ देखो फ्रिक्शन इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अपन क्या ले रहे हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट मैंने एफ, वर्क डन इक्वल टू मैंने क्या ले लिया एफ इंटू एस, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पहुँच जाता है क्या है जीरो है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पे है तो इसके पास है हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। अब देखो एफ को तो मैंने म्यू इंटू एन लिख लिया और एस डिस्प्लेसमेंट, अब देखो यहाँ से फ्रिक्शन काम कर रहा है तो एक्स जीरो प्लस डी, ये हो गया डिस्प्ले। अब नॉर्मल पोजिशन से नहीं भाई, टोटल पे ही रफ सरफेस है, इक्वल टू मेरे पास आया माइनस हाफ के एक्स नोट स्क्वायर, ये इक्वेशन बना अपने पास और अब आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखो डी तो हमारे पास माइनस से माइनस चला गया और म्यू एन क्या आएगा भैया, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अपन खूब पढ़ चुके हैं, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल रहता है, एन इक्वल टू एम जी, तो एन की वैल्यू लिख दी इंटू है अपने पास एक्स नोट प्लस डी इक्वल टू अपने पास है हाफ के एक्स नोट स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं, हमें डी निकालना है, तो देखो एक्स नोट प्लस डी इक्वल टू मेरे पास इधर क्या है भाई के एक्स नोट स्क्वायर अपॉन टू म्यू एम जी, ये वैल्यू होगी। और देखो डी का हमें निकालना है, यदि हमें डी निकालनी है तो डी इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा भाई के एक्स नोट स्क्वायर अपॉन टू म्यू एम जी माइनस एक्स नोट, ये अपने पास डिस्टेंस डी कहाँ से, नॉर्मल पोजिशन से फाइंड करनी है, टोटल लेंगे तो प्लस एक्स नोट ऐड करेंगे, टोटल डिस्टेंस तो ये आएगी, लेकिन हमें डी निकालनी है तो फिर माइनस एक्स नोट करेंगे कि हमें फाइंड द डिस्टेंस डी ये कहा है, तो हम यहाँ से निकालेंगे लेकिन एनर्जी जो है वो यहाँ से, समझ में आ गई बात। देखो अपन एक और क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा आपसे कैलकुलेटिव हो जाते हैं, इनको अप्लाई करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां कोई स्प्रिंग हमें मिल रही है और इस स्प्रिंग का हमें स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर, यहां पे हमें दिया हुआ है, ठीक है भाई। और अब ये इसकी क्या है, नॉर्मल पोजीशन है, इसको कंप्रेस करते हैं और ये ब्लॉक है ये 1 kg का है, इसकी नॉर्मल पोजीशन से जो कंप्रेशन हुआ है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं 10 cm, ये ले रहे हैं 10 cm। अब हमसे पूछा है कि जब ये इसको फ्री करता है ना, यहाँ से अब स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी कन्वर्ट होगी भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वापस हमसे पूछ रहा है कि जब ब्लॉक यहाँ से डिटैच होता है तो इसके पास डिटैचिंग के बाद जो ये डिस्टेंस कवर होती है, जैसे ये पोजीशन अपन क्या ले रहे थे ए, ये बी और ये क्या ले रहे थे सी, है ना, और ये हमें कैसा दे रखा है भाई, रफ सरफेस दिया हुआ है, ये हमें दे रखा है रफ सरफेस जिसका म्यू कितना दिया हुआ है 0.2। तो वापस हमसे ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस डी ऑफ ब्लॉक 1 kg, डिस्टेंस मूव्ड बाई ब्लॉक 1 kg ऑन रफ सरफेस फ्रॉम नॉर्मल पोजिशन, ये हमसे क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे देखो वापस हम क्या काम करेंगे, अब अपन ट्रेंड हो गए हैं कि हम सिखट से लगाएंगे, फ्रिक्शन है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल लगाएंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना है माइनस म्यू एम जी इंटू एस इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ये करना है। तो देखो म्यू एम जी एस कितना हो गया भाई, पूरी रफ सरफेस है तो अपने पास क्या बताया, ये एक्स नोट ले रहे थे ना, तो वापस एक्स नोट प्लस डी, फाइनल कैसा हो गया जीरो, इनिशियल कैसा हो गया हाफ के एक्स नोट स्क्वायर,
इस तरह से सोल्व हो गया। तो चाहे तो अपन वो फॉर्मूला निकाला था उसमें माइनस से माइनस चला जाएगा, चाहे मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर दूँ। देखो म्यू का अपने को वैल्यू कितना मिला भाई, म्यू का वैल्यू मिला 0.2, एम का कितना 1, जी का कितना 10, फिर एक्स नोट कितना 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। देखो 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है कि नहीं, तो मीटर कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, प्लस हमें डी फाइंड करना था इक्वल टू हाफ, के कितना है भाई 100 और x कितना है 0.1, 0.1 का स्क्वायर किया तो 0.01, ठीक है। ये सोल्व हो गया अपने पास। तो देखो अब क्या वैल्यू आई भाई अपने पास, यहाँ से देखो 2 × 10, तो देखो 2 × 10 2.0 हो गया, और यहाँ पे 0.1 प्लस डी इक्वल टू, यहाँ पे देखो अपने पास ये गया कितना बच गया भाई 0.5 ही बच गया, ओके। और 0.1 प्लस डी इक्वल टू 0.5 अपॉन 2, यानी 0.1 प्लस डी इक्वल टू 0.25 और डी इक्वल टू देखो 0.25 माइनस 0.1, तो डी इक्वल टू 0.15 मीटर, अदरवाइज डी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम नॉर्मल से पूछेगा तो हम क्या करेंगे 15, और यहाँ से पॉइंट ए से पूछेगा तो 15 प्लस 10 कितना लेंगे 25 सेंटीमीटर। तो आगे होगी बात अच्छे से समझ में, चलो और ट्राई करते हैं अपन कुछ क्वेश्चन और देखते हैं भाई। अब अपन ये चीज़ समझ गए हैं और अब ले लेते हैं हम बी टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहाँ से बी टाइप के क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम ले लेते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं भाई। तो देखो इसको समझ लो पहले आप अच्छे से कि वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम लेंगे, तो हमने देखो स्प्रिंग को, ये तो अपने बेस लिया, यहाँ से स्प्रिंग को लटका रहे हैं, ये जो पोजीशन है इसकी नॉर्मल पोजीशन हो गई भाई, ये हमने ली नॉर्मल पोजीशन, एक्चुअल लेंथ वाली पोजीशन हो गई। अब देखो इस पर हमने एक ब्लॉक लटकाया और ब्लॉक के मास से ये थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, यहाँ पे हमने ब्लॉक लटकाया था M, तो ये इसकी नॉर्मल पोजीशन थी। और अब देखो जब ब्लॉक यहाँ पे फाइनली यहाँ चला गया, तो यहाँ इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x नोट। तो यहाँ एक पोजीशन आ गई कि जब ये अब रुका हुआ है तो इसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम, इसको क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहाँ एक चीज़ हमें फाइंड करनी होती है कि फर्स्ट हमें देखो जो कि इन इक्विलिब्रियम ये हम फाइंड करें, तो देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यहाँ अपने साथ एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, क्या अभी तक जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर थे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो पहले तो देखो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, देखो ये अपने पास कितना एम जी और स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा वो कितना लगेगा के एक्स नोट, तो स्प्रिंग अपने पास इक्विलिब्रियम का मतलब के एक्स नोट किसको बैलेंस कर दे भाई एम जी को बैलेंस कर दे, और यहाँ से एक्स नोट इक्वल टू क्या आ गया एम जी बाई के, ये आ गया अपने पास। अब मैं बात करूँ यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी दोनों है। तो यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये किधर लगेगी एम जी और स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा ऊपर की ओर, तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, इसलिए ये रहेगी माइनस एम जी एक्स नोट और स्प्रिंग कितना रहेगा हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो इंक्रीज हुआ ये अपने पास ध्यान रखना कि ये एडिशनल ये शुरू हो गया कि
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो अब इसको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी हो तो देखो एक्स नोट की वैल्यू लिख दूं तो मेरे पास यह एफ इक्वल टू माइनस एम जी, एक्स नोट की वैल्यू ये लिखूं एम जी बाई के प्लस यहाँ पे देखो हाफ के और एक्स का एम जी बाई के का होल स्क्वायर। क्या बच गया भाई फाइनल एनर्जी, एम जी स्क्वायर अपॉन के प्लस एम जी स्क्वायर अपॉन टू के, ये अपने पास माइनस था तो यू फाइनल कितना बच गया भाई देखो माइनस एम जी स्क्वायर बाई टू के। तो ये अपने पास क्या आ गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो देखो ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ एक और चीज़ मैं आपको इसमें एडिशनल अपने से क्या पूछेंगे कि अब हम इसको यहाँ डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं। तो डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो देखो एक सिचुएशन ये तो आप अच्छे से समझ में आ गई ना, अब हम डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं तो डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो देखो मैक्सिमम जो इसमें एक्सपेंशन होगा कि हम यहाँ लेके आ गए अब इसको। तो अब देखो ये था इसका नॉर्मल पोजिशन, ये था इसका मेन पोजिशन इक्विलिब्रियम पोजिशन और यहाँ पर, तो ये हमें जो मिला ये क्या है भाई एक्स मैक्सिमम है। तो ये पूछेगा तो ध्यान रखना कि देखो ये अपने पास कितना था एक्स नोट, तो ये कहलाता है एम्पलीट्यूड ए एक्स नोट, इधर भी ये मेन पोजिशन के इधर भी एम्पलीट्यूड कितना है एक्स नोट। तो यहाँ से आप समझ भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रेम मेन पोजिशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, अपन SHM में बात करेंगे लेकिन यहाँ पे आ रहा है हम इसको देखो यूँ खींच के छोड़ेंगे तो अपनी मेन पोजिशन के दोनों ओर डिस्प्लेस करेगा। तो हमने ये डिस्प्लेस करके छोड़ा तो ये इस तरह से, तो x मैक्सिमम की जो वैल्यू आ रही है ये देखो कितना आ रहा है x मैक्सिमम इक्वल टू हमें मिला x मैक्सिमम इक्वल टू 2a यानी 2x नोट ये मिलेगा अपने को। तो अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछूंगा एक और चीज की, जब हम इसको खींच के छोड़ रहे हैं तो देखो ये बिल्कुल किस तरह से है इस सिस्टम को आप देखो किस तरह से समझ सकते हो, ये तो आपने समझ लिया। अपन क्या काम करेंगे भाई इसको एक पेंडुलम से कंपेयर कर लेंगे भाई, पेंडुलम से कंपेयर करो। देखो पेंडुलम क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये सिंपल पेंडुलम होता है, जब हम इसको लटका रखा है यहाँ पर एममास के बोब को तो आप ध्यान देना कि ये जो पोजीशन है इसकी ये इसकी है मेन पोजीशन, ये है मेन पोजीशन। अब ये ब्लॉक को हम यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ लेके जाते हैं तो ये अपने पास जो आया वो यहाँ पे आ गया। तो ये कब तक जाएगा या जब तक इसके पास वेलोसिटी रहेगा, तो ये यहाँ गया और फाइनली यहाँ स्टॉप हो गया तो फाइनल स्पीड यहाँ ध्यान देना इसका फाइनल स्पीड यहाँ पे क्या हो गया भाई जीरो हो गया। और यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है भाई, एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा है मैक्सिमम, क्योंकि जीरो होने पर ये वापस इधर आएगा, वापस इधर आएगा मेन पोजिशन पर आएगा। तो क्या मेन पोजिशन पर आके यहाँ रुक जाएगा, नहीं, यहाँ पर जो इसका स्पीड रहेगा ये कैसा रहेगा मैक्सिमम स्पीड रहेगा और यहाँ पे स्पीड कैसा रहेगा भाई मैक्सिमम रहेगा, इसलिए ये फिर यहाँ पे जाएगा। और अब ब्लॉक कहाँ के आ गया देखो, ब्लॉक आ गया यहाँ पर, ब्लॉक आ गया ठीक है यहाँ ब्लॉक आ गया। तो फाइनली जहाँ रुकेगा ब्लॉक वहाँ फाइनल स्पीड फिर क्या हो जाएगी जीरो, और जीरो होने के बाद ये अपने पास वापस यहाँ से ए एक्सेलरेशन से लौटेगा। तो ये ऑसिलेशंस होते हैं। तो ये मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये ए। तो हमें जब ये पूछेगा कि एक्स मैक्सिमम, तो एक्स मैक्सिमम देखो यहाँ से तो x मैक्सिमम a प्लस a कितना है 2a है और वहाँ a इक्वल टू कितना है अपने पास 2x नोट। तो ये अपन ने स्टडी की है। तो ध्यान देना देखो अब मैं आपसे वापस क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये समझ गए हैं तो देखो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे। क्वेश्चन क्या है यहाँ ध्यान देना कि देखो ये स्प्रिंग थी, अभी हमने इसको रिलैक्स नहीं किया है, ये है इसकी नॉर्मल पोजीशन, ठीक है ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, पोजीशन ए मान लेता हूँ इसको। अब इसको नीचे छोड़ रहे हैं, नीचे छोड़ रहे हैं तो ब्लॉक ले गया इसको यहाँ पर, ब्लॉक खींच के ले गया यहाँ पर, कितना इसने डिस्प्लेस किया एक्स नोट ठीक है। और ये पोजीशन इसकी कैसी है भाई, ये पोजीशन है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है।
अब इसके बाद हम इसको x डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, हम इसको x डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं जिससे ये ऑसिलेशंस करती है। ब्लॉक आ गया यहाँ पर, है ना। अब ब्लॉक को हमने यहाँ इस तरह से और इसको खींच के छोड़ा, तो अब ये ऑसिलेशंस कर रहा है। तो यहाँ वो चीज़ आ रही है कि देखो यहाँ जो इसकी स्पीड रहेगी जब ये ऑसिलेशंस करेगा तो मीन पोजिशन पे स्पीड रहेगी, वो कैसी रहेगी, इसकी मैक्सिमम, तभी ऑसिलेशन कर पाएगा ये टू एंड फ्रो। और एम्पलीट्यूड जो होगा ये ए इक्वल टू किसके रहेगा, एक्स नोट। इधर भी एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू किसके रहेगा, एक्स नोट। तो ये अपने पास जो रहेगी ये एक्स मैक्सिमम कितना हो गया भाई, मैक्सिमम हो गया टू एक्स नोट, ठीक है। अब मैं बात करूं ए बी सी, ये बी पॉइंट और ये हो गया सी पॉइंट, तो हम इस तरह से समझ गए कि यहाँ मैक्सिमम, यहाँ स्पीड क्या हो गया भाई, यहाँ स्पीड जीरो नहीं होगा जब तक तो जाएगा, यहाँ रुक गया तो जीरो, और फिर वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो स्पीड हो जाएगा, तभी तो ये वापस ऑसिलेशंस करेगा। तो ये इस तरह से ऑसिलेशंस कर रहा है। अब हमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ ले, यहाँ पे हमें पूछा जा सकता है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक एंड एक्स मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नॉर्मल पोजिशन, ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो हम पहले तो मेथड से कि हमें कुछ नहीं पता तो हम सिंपली किससे, बाई काम इससे लेते हैं भाई, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। एक मिनट, ठीक है। देखो अपन क्या काम कर रहे हैं, के प्लस यू फाइनल, ये काम कर रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है आपके बात। अब हम कहां से लगा रहे हैं, इनिशियल का मतलब एट पॉइंट ए पे बात कर रहा हूं भाई मैं, इनिशियल का मतलब ए पॉइंट पर बात कर रहा हूं, और फाइनल का मतलब किस पर, बी पॉइंट पर, क्योंकि यहां वी मैक्सिमम मुझे फाइंड करनी है। तो यहां आप ध्यान दो कि देखो ए पॉइंट पर जब था तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड जीरो था तो कितना है, जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी जब स्प्रिंग नॉर्मल पोजिशन में रहती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। जब हम इसको मीन पोजिशन बी पर लाए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी क्योंकि अब इसका स्पीड कैसा है, मैक्सिमम है, वी एम अपन ले रहे हैं इसको। और फिर पोटेंशियल एनर्जी देखो जब हम इसको खींच के लाए कितना, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स नोट स्क्वायर, ये इसके पास एनर्जी होगी, ठीक है। अब इसके साथ ही देखो ये तो लिया, लेकिन यहाँ पर ये भी तो काम कर रहा है ना, हमने अभी बात की ना कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बात करोगे तो ये तो स्प्रिंग एनर्जी माइनस एम जी एक्स नोट, ये भी तो रहेगी माइनस एम जी एक्स नोट, कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्स नोट, देखो इक्विलिब्रियम पोजिशन में हमारे पास इधर क्या लग रहा है भाई, इक्विलिब्रियम पोजिशन का मतलब ये के एक्स नोट इसको बैलेंस कर दे, तो के एक्स नोट इक्वल टू एम जी, और एक्स नोट इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एम जी बाई के, एम जी बाई के। तो इसको अपन सोल्व कर ले, देखो अपने पास इधर तो ये जीरो है ही, इधर तो ये अपने पास जीरो है टोटल, इधर देखो हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस हाफ के, और मैंने यहाँ पे लिखा एम जी बाई के, तो ये एम जी वाई के लिख दिया, और इधर भी मैंने एम जी वाई के लिखा तो ये स्क्वायर हो गया और ये अपने पास के हो गया। तो देखो ये के कैंसिल हो गया और अपने पास जो बचा यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, देखो ये एम जी वाई टू है, ये एम जी वाई, तो माइनस एम जी वाई क्या बच गया भाई, के, ये रह गया अपने पास। तो यहाँ ध्यान देना आप, अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ मुझे स्पीड, तो मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ भाई, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू एम जी स्क्वायर अपॉन के, एक एम को मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा तो इसका स्क्वायर चला जाएगा, और वी एम इक्वल टू देखो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, ये क्या कितना रहा था, टू था, तो देखो यहाँ टू भी है ध्यान रखना, और टू को मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, ये टू गया यहाँ से। तो अब आराम से अपन फॉर्मूला निकाल लिया है, देखो वी मैक्सिमम इक्वल टू हमारे पास आया एम बाई के का अंडर रूट इन टू जी का स्क्वायर था, तो देखो ये रिजल्ट हमें मिल गया। सोल्व कर लोगे आप आराम से इसको, मैकेनिकल एनर्जी से सोल्व करके
लेके आ सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी से सोल्व करके लेके आ सकते हो। ठीक है, अब मैं देखो दूसरा काम करूं कि हमें क्या निकालनी है, एक्स मैक्सिमम निकालनी है। अब हमें सी पॉइंट पर जाएंगे, तो देखो मैं एक्स मैक्सिमम निकाल रहा हूं यहां पे, ये आपको दिखता रहेगा, थोड़ा स्मॉल कर देते हैं इसको। देखो वापस अब मैं एक्स मैक्सिमम, ये तो मैंने फिर से अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे कोई अदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, तो हम इससे लेंगे। तो वापस मैंने K प्लस यू इनिशियल लेनी एट पॉइंट A, और मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है भाई, आप कहाँ लगा दोगे, एट C पॉइंट पर लगा दोगे। तो देखो इनिशियल पॉइंट पर स्पीड जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी फिर क्या होगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पर ये आ गया, तो अब पोटेंशियल एनर्जी अपने पास देखो कितना है भाई, यहाँ जब अपने पास स्प्रिंग ये आ गया तो पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एक्स मैक्सिमम, ये स्थिति आ गई भाई अपने पास, है ना। और यहाँ से देखो ये अपन ले लेंगे हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स मैक्सिमम, ये आ गया। और यहाँ से देखो एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर अपन हटा देते हैं, और एक्स मैक्सिमम इक्वल टू हमें जो मिला ये क्या मिला भाई, एम जी बाई टू के। ये हमने सॉरी क्या कर दिया भाई, एक मिनट ध्यान देना, एक्स मैक्सिमम इक्वल टू टू एम जी बाई के, यहाँ से निकाल लिया अपन ने, टू पर चला गया एम जी बाई के। तो ये देखो हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, लेकिन इसी जगह अपन एक और काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि हमें एक्स मैक्सिमम, अभी अभी अपन ने लॉजिकली पढ़ा था कि एक्स मैक्सिमम किसके इक्वल होता है भाई, 2x नोट के, और x नोट क्या था, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में, देखो ये रहा। तो x मैक्सिमम इक्वल टू मैं सिंपली यहाँ पे देखो ट्रिक डेवलप हो गया, एम जी बाई क्या लिख दूँ, k। तो देखो कंजर्वेशन नहीं लगाए तो अपन SHM चले तो भी ये पोजीशन अपने पास आ जाती है। तो इस तरह से ये अपन ने सोल्व कर लिया, अच्छे से समझ में आया होगा आपके, है ना। और अपन नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम्स और भी लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, एंजॉय करते रहिए फिजिक्स को। और मैं बार बार कहता हूँ, है ना, यही वाई सर का फंडा है, वाई सर मीन्स फिजिक्स, और फिजिक्स मीन्स कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक्स विदाउट सोर। ओके, थैंक यू सो मच।